ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का, नंबर 53। व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर। चलो ठीक है, तो इसके गिवन में डेटा तो बहुत कम है, तो समझ आना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि टफ इसलिए है क्योंकि आपको कुछ कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। जहाँ पे आपको गिवन डेटा नहीं दिया है, ऐसा होता तो नहीं, बट मान लेते हैं कि अगर नहीं दिया है, जैसे JEE के ऑब्जेक्टिव्स में वगैरह, तो ऐसे सिचुएशन में आपको आधे से ज़्यादा गिवन डेटा आपको पता होना चाहिए। अगर ये डेटा पता नहीं है, फिर आप ऑब्जेक्टिव या फिर ये ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे में इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें? वो बोल रहा है व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, यानी फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, बट किसका? सॉल्यूशन का। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये आपको कैलकुलेट करना है, TF से डिनोट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड पॉइंट, और 5% बोला है तो ये आपको एक्चुअली वेट दिया है परसेंटेज बाय मास में, सो वेट ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट कौन है? सुक्रोज। ठीक है, हम इसे डिनोट करेंगे WB से, और ये कितना दिया? 5% का मतलब यहाँ पे ग्राम, क्योंकि परसेंट का मास बोला है। देन थर्ड पॉइंट, अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि सॉल्वेंट का वेट क्या रहेगा, सो वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि कौन है? वाटर है। ठीक है, बोला ये देखिए वाटर, डिनोट करेंगे WA से, तो ये कितना होगा? 100 - 5, क्योंकि परसेंटेज में है, तो ये हो जाएगा 95। आपने डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, यह आएगा ग्राम में, इसे कन्वर्ट कीजिए, तो 95 × 10⁻³ किलोग्राम, ये हो जाएगा WA। ठीक है, डेटा आ ली। देन प्योर वाटर फ्रीजेस एट, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया है, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर, डिनोट किससे करेंगे? TF0 से। कितना दिया है? 273.15 केल्विन। ये ऑलमोस्ट उसी टाइप का न्यूमेरिकल है जो हमने इसके पहले वाला सॉल्व किया, मीन्स नंबर 52। चलो ठीक है, अब वो वैल्यू जो आपको पता होनी जरूरी है, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर, जो कि सॉल्वेंट के लिए होती है, डिनोट करते हैं हम इसे KF से, और ये पता होना चाहिए कितना होता है? 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि अगर आपको परसेंटेज बाय मास में दिया है तो 95 लाना है। ठीक है, अब वही स्टेप अपनाएंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला? डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इन kg। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप करते, KF कितना है? 1.86 इंटू WB कितना है? 5, डिवाइडेड बाय MB कितना है? मोलर मास वो लिखना रह गया, चलो वो हम स्टेप में एक काम करते हैं, यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन, वो पॉइंट रह गया था, इसलिए फर्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इज सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज, डिनोट किससे करेंगे? MB से। फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। सो उसके हिसाब से ये कितना आता है? 342 ग्राम पर मोल, पर मोल नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, इसके हिसाब से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, तो ये है 342 इंटू WA कितना है? 95 × 10⁻³। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो 1.86 है इसे हम लिखते 186 इंटू 5 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाय हम करते हैं 342 इंटू 95 इंटू 10⁻³। ठीक है, फिर से अभी यह लिखता हूँ,
अब क्या करना है, 10 टेस्ट पावर माइनस 3 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिए तो हो जाएगा प्लस 3, 10 टेस्ट पावर माइनस 2, 10 टेस्ट पावर 3, 10 टेस्ट पावर 1, तो ये हो जाएगा 186 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा 342 इंटू 95 और ये हो जाएगा 10 टेस्ट पावर 1। अब आपको क्या करना है, 186 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, चलो 6 5 जा 30 कैरी 3, 8 5 जा 40 प्लस 3 43 अगेन कैरी 4, 5 प्लस 4 9 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 9300 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 95। अब आपको क्या करना है, वही स्टेप 342 का लॉग, उस 342 के लॉग में 95 के लॉग को हम ऐड करेंगे, यानी 2.5340 में 1.9777 को ऐड करेंगे तो एडिशन आता है 4.5117। ये जो एडिशन आया उस एडिशन को 9300 के लॉग में से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर आता है 12.1467 और जब आप इसका एंटी लॉग निकालते हैं ये आएगा 0.2862 केल्विन, ये आ गया डेल्टा टीएफ। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, एज वी नो दैट, फिर से वही लिखना है क्या, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू टीएफ 0 माइनस टीएफ, देयरफॉर टीएफ इक्वल्स टू टीएफ 0 माइनस डेल्टा टीएफ, टीएफ 0 कितना है 273.15 माइनस डेल्टा टीएफ कितना आया 0.2862, इसे माइनस कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, मैं कर देता हूँ डोंट वरी। सो 273.1500 में 0.2862 माइनस कर दो, चलो 10 में से 2 जाते हैं तो 8 बजे वापस 7 हो गए, 10 में से 7 गए 3 बजे वापस 9 हो गया, 15 में से 9 गए फिर से 6 बजे वापस 3 हो गए, 11 में से 3 जाते तो 8 बजे वापस दिया तो ये 2 हो जाएगा 272.8638, तो ये आता है 272.8638 यूनिट केल्विन। यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूँ, सब्सट्रैक्शन या फिर सब्सट्रैक्शन में कुछ कम ज़्यादा होता है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए इसे।